कक्षा सात प्रथम अध्याय पूर्णांक। लेकिन मैं पूर्णांकों पर जाने से पहले कुछ संख्याओं की बात आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले है प्राकृत संख्या, जो प्यारे बच्चों आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। प्राकृत संख्या वह संख्याएं हैं जो हम प्रकृति में देख सकते हैं, जिनको आसानी से हाथ में पकड़कर गिना जा सकता। जैसे हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे एक मार्कर है या फिर एक डस्टर है। तो मार्करों में ले लो तो मेरे पास अब कितने मार्कर हैं, तीन मार्कर हैं। ये हम देखकर, अनुभव करके, अपनी खुली आंखों से देखकर जिन संख्याओं को गिन सकते हैं वो हमारे पास क्या आ गई, प्राकृत संख्याएं आ गई। और प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से। फिर दो, तीन, चार, जिनको हम गिनती के रूप में लेते हैं, और आगे ये अनंत तक चलती रहती है, इनका कोई अंत नहीं होता। यदि मैं संख्या रेखा पे इनको लूं तो मैं यहां से मान लो शुरू हो जाता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, आगे भी। और तीर का निशान इंडिकेट करता है कि उधर चल रही। प्राकृत संख्या के बाद हमारे पास आई पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में एक चीज का अंतर आ गया कि पूर्ण संख्या में शून्य और ले ली गई। शून्य वह संख्या है जो किसी संख्या को उसी संख्या में से घटाने पर प्राप्त होती है। मतलब यदि तीन में से तीन को घटाया जाएगा, मेरे पास ये तीन यदि मार्कर है, मैंने तीनों यहां से हटा लिए, हटाने का मतलब घटाना, घटा दिए तो मेरे पास क्या बच गया, शून्य मार्कर बच गए। तो शून्य हमारे पास आ गई। अब शून्य के साथ पूर्ण संख्याएं पूरी हुई, तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो गई, शून्य से। और कहां तक जाती हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और चलती रहती है। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यदि हम देखें, पूर्ण संख्या के अंदर सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आपको मिलेंगी, सारी की सारी। आप ये देखें, एक, दो, तीन, चार, जो भी आगे चलती रहेंगी। पूर्ण संख्या में एक अतिरिक्त संख्या और जुड़ गई, वो क्या जुड़ गई, शून्य जुड़ गई। अभी हम कहें क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं में हैं? हाँ, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में हैं? सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में हैं। देखो ये वाली सारी है पीछे वाली, लेकिन शून्य प्राकृत संख्या में नहीं है। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में नहीं है। इसका मतलब कि हम प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या तो बोल सकते हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, एक को छोड़ के, शून्य को ही। अब पूर्ण संख्या के बाद ये संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही है कि मैंने उधर बता दिया, उधर तीर का निशान इंडिकेट कर रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, और उसके बाद यहां पे यदि जीरो आ गया तो उधर तो संख्याएं चलती रहेंगी, जीरो से इधर भी तो कुछ होगा। अब वो कौन सी संख्याएं हैं गणित में, अब वो संख्याएं हमारे पास उल्टी चलेंगी। फिर जीरो आ गया, अब इसमें से एक घटाएंगे, ये माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौ, ऐसे ही उधर माइनस, सॉरी, जीरो से इधर जो संख्याएं हैं वह नेगेटिव एक, नेगेटिव दो, नेगेटिव तीन, नेगेटिव चार, नेगेटिव पांच, नेगेटिव छह, नेगेटिव सात, नेगेटिव आठ, नेगेटिव नौ, और चलती ही जाएंगी। जिस प्रकार उधर तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है, तो ये उल्टी गिनती चल रही है। जो नेगेटिव में है, ऋणात्मक है, ये पक्ष है हमारा इधर ऋणात्मक पक्ष है, और ये पक्ष है हमारा इधर ये धनात्मक पक्ष है, जोड़ वाला पक्ष है, और इनके बिल्कुल बीच में हमारे पास क्या है, शून्य। यदि इनमें से मैं ये ऋणात्मक निशान हटा देता हूं तो ये भी सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं ही हैं, बिल्कुल ऐसे कैसी हैं। अब ये जो संख्याएं संख्या रेखा पर आपको दिख रही हैं, ये पूरा का पूरा भाग है किसी एक संख्या का, पूरा तीन है, पूरा एक है, पूरा जीरो है, इधर भी ऋणात्मक कैसे है, नेगेटिव पांच है, नेगेटिव दो है, जो भी है। तो जो पूरी की पूरी संख्याएं हम लिख सकते हैं उन सभी को पूर्णांक बोला जाता है।
अब पूर्णांकों के अंदर क्या आएगा, पूर्णांकों के अंदर सारी की सारी ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्या। अब सारी की सारी बोला है तो और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्राकृत संख्या जोड़ते ही फिर हमारे पास जो गिनती है वो जोड़ और घटा की वो दोनों आ गई कि ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय, ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्या प्लस शून्य शामिल है। पूर्णांकों के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्या और शून्य शामिल है, मतलब सारी की सारी यदि मैं अनंत से लेके चलूं और ऐसे चलता जाऊं -3 -2 -1 और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे पास शून्य, और उसके बाद फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर वही जोड़ वाली संख्याएं 1 2 3 4 और ये कहां तक चलेंगी, प्लस अनंत तक चलेंगी। ये सारी की सारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। पूर्णांकों पर संक्रियाएं हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आप एक बात देखें कि यदि दो पूर्णांक हम इकट्ठा लेते हैं और उनका जोड़ करते हैं, 2 जमा 3 हमने पहले किया हुआ है, ये हमारे पास 5 आ गया। यदि 5 घटा 3 लेते हैं तो आगे 5 में से 3 ले। लेकिन 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में हम पढ़ भी रहे हैं कि यदि 8 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, या -5 में यदि 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा। बच्चे लिख देते हैं -8 बचेगा या 8 बचेगा, इसमें भी कर देते हैं भाई 10 ही बचेगा या 8 बचेगा या 2 बचेगा, जो भी है वो कर देते हैं। लेकिन हम इसको इस संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे कि क्या बचेगा। अब संख्या रेखा के ऊपर यदि हम संक्रियाएं करेंगे तो यहां से आपको देखना पड़ेगा, मैं कुछ प्रश्न आपके यहां से ले रहा हूं कि 2 जमा 4, 2 घटा 4, घटा 2 जमा 4 और घटा 2 घटा 4, नेगेटिव और पॉजिटिव का मैंने संगम लिया है। अब हमने शुरू यही करना है कि स्टार्ट वहां से लेना है जो पहला अंक है, कितना है 2। देखो मैं 2 पे खड़ा हूं और 2 से यदि अगला अंक हमारे पास कितना है 4, यदि पॉजिटिव है प्लस का है तो हमें दाईं तरफ उतने कदम जाना है और यदि नेगेटिव है तो बाएं कदम उतने दूर जाना है। अब 2 के बाद 4 पॉजिटिव है तो 4 कदम उधर जाएंगे हम, 1 2 3 4, कितने पे पहुंच गया मैं, 6 पे पहुंच गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अब 2 से 4 कदम नेगेटिव आ गया, 2 -4, फिर मैं यहीं खड़ा हूं अगले सवाल पे, फिर मैं वहीं खड़ा हूं 2 पे और -4 है तो मैंने जैसे कहा कि बाईं तरफ 4 कदम आना है तो बाईं तरफ 4 आएंगे, 1 2 3 4, अब मैं कहा हूं -2 पे खड़ा, -2 पे खड़ा, सॉरी -2 पे खड़ा हूं, तो आंसर मेरा क्या आ गया, -2। अगले सवाल में यदि मैं इसको देखता हूं मैं खड़ा किस पे हूं, -2, तो -2 पे मुझे लेना है और कहीं नहीं जाना, और प्लस का 4 है, आगे प्लस का 4 है तो मुझे किस तरफ जाना है, बाई साइड या दाई साइड, प्लस के लिए हम दाई साइड जाएंगे तो दाई साइड 4 अंक, 1 2 3 4, कितना आ गया मेरा आंसर, 2, प्लस का 2 आया है, ये देखना धनात्मक का 2 आया है, ऋणात्मक नहीं है। अब घटा का 2 है, मैं फिर घटा के 2 पे खड़ा हूं और अगला अंक है वो क्या है, -4 है, मतलब 2 से नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब बाईं तरफ मुझे 4 स्थान और जाना है, 1 2 3 4, तो मैं कहां खड़ा हूं, -6 पे, तो ऋणात्मक 6 है वो मेरा उत्तर आया है। अब इसी प्रकार इस संख्या रेखा से हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
यदि मैं माइनस तीन प्लस पांच लेता हूं या माइनस आठ प्लस जीरो लेता हूं या तीन घटा सात लेता हूं या माइनस नौ प्लस तीन लेता हूं, नेगेटिव नौ प्लस तीन लेता हूं। अब इनके आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले मैं घटा के तीन पे खड़ा हूं, नेगेटिव तीन पे खड़ा हूं यहां पे, और प्लस का पांच है तो पांच कदम मुझे इस तरफ जाना है, तो जाएं एक दो तीन चार पांच, मैं कहां आ गया, दो पे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़े, मैं पहले कहां खड़ा हूं, घटा के आठ पे खड़ा हूं, और मुझे कितने कदम, शून्य कदम दाई तरफ, प्लस का आगे ना दाई तरफ चल रहा है, शून्य कदम, तो मुझे कदम बढ़ाने ही नहीं है, कदम बढ़ाने नहीं है तो मैं यहीं खड़ा हूं, तो इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव आठ आ गया, घटा का आठ आ गया। अब यदि मैं तीन पे खड़ा हूं, ये मेरा तीन है, और मुझे सात नेगेटिव सात कदम बाई तरफ चल रहे हैं, तो सात कदम बाई तरफ चलो, एक दो तीन चार पांच छह सात, किस पे आ गया मैं, नेगेटिव चार पे आ गया, नेगेटिव चार पे आ गया हूं। और यदि मैं नेगेटिव नौ पे खड़ा हूं यहां पे, और मुझे तीन कदम दाई ओर चलने हैं, एक दो तीन, तो मैं कहां खड़ा हूं, नेगेटिव छह पे खड़ा हूं। तो ये इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। और ये एक के लिए नहीं है, अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज की तरफ और ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका, यहीं पर कि पांच में यदि शून्य जोड़े हैं, पांच है ये रहा शून्य कदम, उधर चल रहे हैं, कदम ही नहीं चलना है तो क्या आएगा, पांच। माइनस तीन में यदि शून्य जोड़े तो क्या आएगा, माइनस तीन। यदि किसी भी पूर्णांक में हम शून्य को जोड़ेंगे तो परिणाम वही पूर्णांक आएगा, वही संख्या आएगी, तो इसलिए हम शून्य को योज्य तत्समक भी बोलते हैं। योज्य का मतलब जोड़ करने के बाद, तत्समक मतलब जिसमें कोई भी बदलाव ना है, शून्य को जोड़ने के बाद उस अंक में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा कैसा अंक आएगा वो हमारे पास क्या हो गया, योज्य तत्समक। अब यदि थोड़ा सा और मैं इसको लेता हूं, पांच घटा तीन जमा दो घटा एक, ये संख्या यदि मैं लेता हूं, मैं पहले कहां खड़ा हूं, पांच पे यहां, फिर नेगेटिव तीन आया तो मुझे तीन कदम उस तरफ जाना है, एक दो तीन, अब मैं यहां आ गया, फिर क्या हुआ, प्लस का दो आ गया तो मुझे दो कदम उधर जाना है, एक दो, अब मैं कहां आ गया, चार पे, फिर नेगेटिव एक आ गया तो मुझे एक कदम फिर वापस आना है इधर, तो मैं कहां पे खड़ा हूं, तीन पे, तो इसका आंसर क्या आ गया, तीन आ गया। इसको दोबारा समझे, मैं फिर इसको एक बार दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा आपको कि एक इसमें उलझन ना हो जाए। यदि मैं इस प्रकार लेता हूं, माइनस तीन जमा चार माइनस आठ जमा या घटा का एक, यही ले लेते हैं। सबसे पहले मैं माइनस तीन पे खड़ा हूं, माइनस तीन नेगेटिव तीन पे खड़ा हूं, नेगेटिव तीन से चार कदम प्लस बाई तरफ जाने हैं मुझे, एक दो तीन चार, ये मेरे पास क्या आ गया, एक हो गया, एक पे आ गया मैं। अब नेगेटिव आठ आ गया तो मुझे आठ कदम इधर और जाना है, आठ जाना है, देखना ध्यान से, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अब मैं कहां खड़ा हूं, नेगेटिव सात पे खड़ा हूं, और इसके बाद एक कदम और मुझे बाई ओर जाना है, तो कितना आंसर आ गया मेरा, नेगेटिव आठ आ गया, नेगेटिव आठ आ गया। अब इन संख्याओं में आप बड़ी आसानी से पूर्णांकों की जोड़ कर सकते हैं इस संख्या रेखा की सहायता से। एक और चीज मैं आपको देना चाहूंगा, माइनस तीन जमा तीन, पांच घटा पांच, माइनस दो जोड़ का दो। अब इनके ऊपर कुछ करके देखते हैं। पहले मैं कहां खड़ा हूं, माइनस तीन पे यहां,
और तीन कदम प्लस की तरफ मुझे उधर जाना है, एक दो तीन, तो मैं कहां आ गया, शून्य पे। अब इसमें मैं पांच पे खड़ा हूं और मुझे पांच कदम इधर दाई तरफ बाई तरफ सॉरी आना है, तो एक दो तीन चार पांच, मैं कहां खड़ा हूं, शून्य पे। एक और परिस्थिति में मैं माइनस दो पे खड़ा हूं, ये रहा, और उसके बाद दो कदम दाई ओर जाना है, एक दो, तो मैं कहां खड़ा हूं, शून्य। अब इन तीनों परिस्थितियों में, तीनों प्रश्नों में जो परिणाम है वो शून्य आया है। अब इससे एक चीज और निकल कर आती है कि एक संख्या और उसका नेगेटिव, एक संख्या और उसका नेगेटिव, एक संख्या और उसका नेगेटिव को यदि जोड़ेंगे, या इसका उल्टा ले लें, ये संख्या है ये इसका नेगेटिव है, ये संख्या इसका नेगेटिव है, को जो आपस में जोड़ेंगे तो परिणाम हमेशा शून्य आएगा। तो इसको हम योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब भाई एक संख्या में क्या संख्या जोड़ें कि उत्तर है वो शून्य आए, मतलब तीन में क्या जोड़ें कि उत्तर शून्य आए, क्या जोड़ेंगे, माइनस तीन जोड़ेंगे, नेगेटिव तीन जोड़ेंगे। माइनस चार में क्या जोड़ें कि उत्तर शून्य आए, क्या जोड़ेंगे, जोड़ का चार जोड़ेंगे, मतलब निशान बदला है सिर्फ। यदि पांच प्लस का है तो उसको माइनस का बना दिया, पांच माइनस का है तो उसको प्लस का बना दिया, निशान बदल जाएगा, एक जोड़ का एक घटा का हो जाएगा, तो हमेशा दोनों के बीच में क्या होगी, घटा होगी, और घटा होने के बावजूद फिर उनका जो आंसर है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। ये किया हमने संख्या रेखा के साथ पूर्णांकों की जोड़। अब बगैर संख्या रेखा करके देखते हैं। बगैर संख्या रेखा में मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, अब यहां पे मेरे पास दो मार्कर हैं, इसलिए मैं अलग अलग इससे संख्याएं केंद्रित करूंगा, कि यदि मेरे पास दो हैं, प्लस के हैं ये दो, तो इन प्लस के दो को मैं दो जो गोले हैं मैंने ये इस दो के नाम पे बना दिए, नीले रंग को मैं प्लस में लूंगा, लाल रंग को मैं माइनस में लूंगा, नेगेटिव में लूंगा। फिर चार भी जोड़ का है तो चार गोले और बना दिए, अब मेरे पास कुल गोले कितने हो गए, छह गोले हो गए, और छह के छह नीले हैं, नीले हैं तो प्लस का छह इसका आंसर आ गया। अब यहां पे देखते हैं, आठ गोले प्लस के, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अब नेगेटिव आ गया तीन, तो लाल के साथ मुझे तीन गोले और बनाने, एक दो तीन बना दिए। अब एक के साथ एक को काटना पड़ेगा, बहुत सब बार ये क्वेश्चन आता है कि एक के साथ एक को क्यों काटना पड़ेगा। मैंने एक गोला एक संख्या के बराबर लिया, एक आठ को मैंने आठ एक में तोड़ा है, एक 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 करके ये आठ हो गए, और तीन में भी एक, नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक। अब यदि एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये तो शून्य हो गया, और शून्य को किसी भी संख्या में जोड़े उत्तर वही आता है जो संख्या होती है हमारे पास, तो इसका कोई औचित्य नहीं रहा। उसी प्रकार यह है, एक में से एक निकाल लेंगे, माइनस करेंगे नेगेटिव करेंगे तो वो भी क्या हो गया, शून्य हो गया, और ये भी क्या हो गया, शून्य हो गया। बाकी हमारे पास ये बच गए, ये क्या बचे हैं, पांच के पांच प्लस वाले बचे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लस के पांच हो गया। उसी प्रकार सात हैं जो मैंने नीले लिए, और लाल नौ है, एक से एक फिर एक में से एक गया, फिर ये शून्य होते चले जाएंगे सारे, और कितने बच गए, दो, दो लाल बचे हैं, तो दो मतलब किसके हैं, माइनस के दो हैं, नेगेटिव दो हैं, नेगेटिव दो बच गए। अब पहले नेगेटिव तीन है तो तीन ले लिया, और पॉजिटिव चार हैं तो चार प्लस के ले लिए, एक के साथ एक फिर माइनस हो गया, जीरो हो गया, और ये क्या बच गया, एक प्लस का बच गया मेरे पास। उसके बाद नेगेटिव आठ है, नेगेटिव आठ लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और प्लस के क्या आ गए,
दो दो ले लिए, एक के साथ एक फिर माइनस हो के जीरो हो गया, हमारे पास नेगेटिव बचे, नेगेटिव कितने बचे हैं, तीन और तीन छह, नेगेटिव बचे हैं, तो ऋणात्मक छह इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को ले सकते हैं। अब यहां पे जो कटने का निशान जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पे घटा हुई है। एक और चीज लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन और भूल गया बीच में, सॉरी। -3 और -2, -3 -2, -3 के एक दो तीन, -2 के फिर दो, अब यहां पे कोई नहीं कटेगा क्योंकि सारे नेगेटिव है, तो नेगेटिव का 5 ही इसका आंसर आएगा। अब इसके कुछ नियम लेते हैं, इसके नियम के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। जहां भी आपको कटने का निशान दिख रहा है, कटने का मतलब है घटा हुआ है, एक के अंदर से एक को घटाया गया है, यहां पे घटा हुई है, और इन दो परिस्थितियों में घटा नहीं हुई है, इन दो परिस्थितियों में घटा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों ही धनात्मक है, और ये दोनों ही ऋणात्मक है, नेगेटिव के हैं। तो यदि सारी संख्याएं जोड़ की या सारी संख्याएं घटा की होंगी तो कभी भी उनके बीच में घटाव नहीं होगी, वो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। ये जोड़ी है 3 और 2, 5 हो गया, और निशान उनका वही रहेगा जो उनका पारंपरिक निशान है, जो उनके साथ ही है। इनमें दोनों के साथ प्लस था तो प्लस, इनमें दोनों के साथ माइनस था तो माइनस, सॉरी नेगेटिव। घटा का निशान है तो घटा रहेगा, जोड़ का है तो जोड़ रहेगा। अब इन परिस्थितियों में क्या हुआ है? इन परिस्थितियों में हमेशा घटाव हुआ है, देखो घटाव हो रही है, और बचे कौन से हैं? बड़े वाले जो ज्यादा होंगे वो बचे हैं, वो किसी भी निशान के हों, वो प्लस के हों, वो माइनस के हों, वही बचे हैं। अब यदि वो यहां पे बचे हैं घटाव होने के बाद, तो जो बचते हैं, जो हमारे पास संख्या ज्यादा है कम, उसी में से तो हम निकालते हैं। अब यहां पे 8 ज्यादा थे, 8 में से 3 निकाल लिए, कितने बच गए? 5, 5 बच गए। यहां पे ज्यादा 9 थे हमारे पास, 9 में से क्या निकाल दिए? 7 निकाल दिए, 2 बच गए। यहां पे ज्यादा 4 थे, 4 में से 3 निकाल दिए, 1 बच गया। यहां पे ज्यादा 8 थे, 8 में से 2 निकाल दिए, 6 बच गए। मतलब घटा हो तो रही है, लेकिन जिसके साथ घटा का निशान है वो नहीं घट रहा है, हमेशा बड़े अंक में से छोटा अंक घट रहा है, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा घटा के संख्या लिखी गई, और निशान वो आया है हमेशा जो बड़ा था, बड़ा प्लस था प्लस आया, बड़ा माइनस था माइनस आया, बड़ा प्लस था प्लस आया, बड़ा माइनस था माइनस आया। तीन नियम हमारे पास यहां पे बनेंगे इसको लेके, चार लगा ले, चार ले लेते हैं। यदि दोनों संख्याएं जोड़ की हैं तो दोनों के बीच में जोड़ होगा, निशान जोड़ का आएगा। यदि दोनों संख्याएं नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो दोनों के बीच में जोड़ होगा, निशान ऋणात्मक आएगा। यदि संख्याओं में एक संख्या घटा एक संख्या जोड़ की है तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होगी, बड़े में से छोटा घटेगा और निशान हमेशा बड़े वाली संख्या का आएगा जो बड़ा है। देखो इन दोनों में से बड़ा 9 था, निशान माइनस आया, इन दोनों में से बड़ा 8 था, निशान प्लस का आया, इन दोनों में से बड़ा 8 था, निशान इसका माइनस का आया। संख्या के आगे जो निशान होता है उसको हम चिन्ह मानते हैं उस संख्या का। चलो अब सीधा हम इन्हीं नियमों के आधार पे करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार हम ये गोले लगाते रहेंगे या फिर संख्या रेखा बनाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें हमें पारंपरिक विधि पे ही आना पड़ेगा। अब वही चीज मैं लेता हूं, 2 जमा 3 -5 जोड़ का 8, -3 -2 या फिर -8 प्लस का 9, दो परिस्थिति, दोनों जोड़ के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 सबको पता है, और दोनों जोड़ के हैं तो निशान जोड़ का आएगा। अब एक परिस्थिति यह है दोनों घटा के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 और निशान माइनस है तो इनका माइनस आएगा। लेकिन ये दोनों अलग परिस्थितियां हमारे पास अभी बन रही हैं, ये देखो ये दोनों जिनके बारे में खासकर हम भूल करते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। तो यहां पे हमें ये चीज देखनी है कि बड़ा कौन सा है, सिर्फ बड़े के ऊपर ध्यान दो, बड़ा कौन सा है हमारे पास? 8।
आठ में से क्या घटाना है, पांच। आठ में से पांच क्या हमारे पास कितना हो गया, तीन आ गया। आठ में से पांच क्या, तीन आ गया। और बड़ा आठ था तो आठ का निशान प्लस था तो प्लस ही आएगा, मतलब जोड़ का निशान ही हमारे पास आएगा। इस परिस्थिति में भी देखें, एक घटा का है और एक जोड़ का है, हमेशा घटा होगी। बड़ा कितना है, नौ। नौ में से आठ यदि जाएगा क्या बचेगा, एक। और बड़ा प्लस का है तो प्लस का आएगा। एक और मैं संख्या ले लेता हूं, पांच माइनस आठ, ये जोड़ का है, ये घटा का है। बड़ा कौन सा है, आठ। आठ में से पांच जाएगा कितना बचेगा, तीन। लेकिन बड़े का निशान मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा। मतलब एक जोड़ और एक घटा होगी तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होगी, और निशान उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। और उससे पहले यदि दोनों जोड़ के हैं तो जुड़ेगा, निशान जोड़ का आएगा। दोनों घटा के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, निशान किसका आएगा, घटा का आएगा। अब आगे जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो गड़बड़ कहां पे हमारे पास हो जाती है, ये और देखेंगे। यदि मेरे पास ये प्रश्न आ गए, इन परिस्थितियों में क्या करना है, इन चारों के द्वारा ही बताएंगे और उसके बाद फिर होमवर्क आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि नेगेटिव कितने हैं, उनको अलग से रखो, रख लिया। पॉजिटिव देख लो कितने हैं, दो है। सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले के साथ पॉजिटिव को जोड़ लें, चार और दो कितना आ गया, छह। अब नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव तीन और पांच कितने हो गए, आठ। मैंने कहा था यदि दोनों नेगेटिव हैं तो जुड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी जुड़ेंगे, और निशान उनका वही रहेगा, अपना परंपरा है। अब इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यहां आने के बाद एक जोड़ का एक घटा का वही सीन हमारे पास बन रहा है, तो एक जोड़ एक घटा यदि बन रहा है तो हमेशा उसके बीच में घटा होगी, और बड़े में से छोटा घटेगा, बड़ा है आठ, आठ में से छह गएंगे, जाएंगे कितना बचेगा, दो, और बड़ा नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर वही अपना नियम लागू होगा। अब इस परिस्थिति में घटा वाले, यहां पे मैं देख लेता हूं, ये घटा के हो गए और बाकी बच गए प्लस के, तो पहले तो प्लस वाला को जोड़ दो, ये दोनों प्लस के हैं, चार और आठ कितना हो गया, बारह है। घटा नेगेटिव वाले, दो और तीन नेगेटिव कितना आ गया, पांच। अब बड़ा कौन सा है, बारह है, बारह में से पांच गए कितना बच गया, सात, और निशान बारह का प्लस है तो प्लस का। अब यहां पे इस परिस्थिति में हम देखते हैं नेगेटिव कितने हमारे पास, ये पॉजिटिव कितना बच गया, दो, तो पहले दो को लिखो, और नेगेटिव कितने हैं, आठ और तीन ग्यारह है। अब एक जोड़ एक घटा है तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होगी, और बड़ा कौन सा है, ग्यारह, ग्यारह में से दो गए, नौ, और बड़े का निशान माइनस है तो माइनस करो। अब इस परिस्थितियों में देखो लास्ट वाला यदि हमारे पास आता है, तीनों घटाव गए हैं, जोड़ है ही नहीं, तो घटाव तो आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों जुड़ जाएंगे, पांच और चार नौ, नौ और तीन बारह है, और निशान घटाव है। तो ये सारी परिस्थितियां आपके साथ आएंगी, और आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से नियम ध्यान में रखते हुए कि यदि जोड़ के हैं वो आपस में जुड़ेंगे, जो नेगेटिव हैं वो आपस में जुड़ेंगे, निशान नेगेटिव का रहेगा, और यदि एक जोड़ और एक घटा का है तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होनी है, बड़े में से छोटा घटेगा, और निशान किसका आएगा, जो बड़ा अंक है। तो अभी ये होमवर्क आप कीजिए और उसके बाद अगली क्लास में देखते हैं।